इस समय जब दुनिया का हर आदमी या तो सोशल नेटवर्क पर है या आना चाहता है, भारत पीछे नहीं है, बल्कि बाकी सारे देशों के मुकाबले भारत एक और ज़्यादा कल्चरल और ज़्यादा सोशल देश है। भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा सोशल हैं, और इसी बात को लेकर मुझे अचंभा था कि शेयरचैट जैसा प्लेटफॉर्म भारत में पहले क्यों नहीं था। फेसबुक और व्हाट्सएप हमारे जनता में बहुत ज़्यादा डेप्थ तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप ना हमारे सामाजिक ताने बाने को समझते हैं और ना ही हमारे लिए बनाए गए हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप जिस जनता के लिए बनाए गए थी, वो जनता शायद आपको बड़े शहरों में ज़्यादा मिल जाएगी, पर जो साधारण नॉर्मल हमारा आम आदमी है भारत देश का, उसके लिए एक अलग ही सोशल नेटवर्क होना चाहिए था, और वो सोशल नेटवर्क आज की डेट में है शेयरचैट। दिसंबर 2014 में जब हम लोग कानपुर में, तो हमने ये समझा कि कानपुर और बाकी छोटे शहरों के लोग जैसे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अलग है जैसे दिल्ली मुंबई बेंगलुरु के लोग करते हैं। तो ये लोग सोशल नेटवर्क में चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, इनका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये समझने के लिए हमने अगले 6 महीने रिसर्च करी। कुछ 500-600 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उन लोगों को ऐड करा, मतलब अनजान लोगों को ऐड करा, सिर्फ ये समझने के लिए कि अगर उनको सोशल नेटवर्क दिया जाए तो वो करेंगे क्या। और वो अभी व्हाट्सएप पे कर लेंगे, मतलब वो फोटो डालते हैं, मीम डालते हैं, जबकि इन सब को करने के लिए फेसबुक बनाए, इंस्टाग्राम बनाए, ट्विटर बनाए, बट ये सब ना यूज़ करके वो व्हाट्सएप पे ही बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो इसके लिए व्हाट्सएप बनाई नहीं। तो अगले 6 महीने हमने पूरा ये रिसर्च किया, और उसके बाद अक्टूबर में हम लोग एक प्रोडक्ट पे आए, हमने वो बनाया जिसका नाम शेयरचैट है, और उसके बाद से हमने अभी तक 10 लाख यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। शेयरचैट के 10 लाख डाउनलोड से बताते हैं कि भारतवासियों की ज़रूरतों को न सिर्फ हमने समझा है बल्कि 11 मेहनत से उसे पूरा करने की भी कोशिश की है। जॉब की टिप से लेकर लेखकों की रचनाओं तक, शायरी और डायरी से लेकर चुटकुलों तक, और भी बहुत कुछ तक हमने लोगों को पहुँचाया, बल्कि उसे बेहतर भी बनाया है। 30 लोगों की हमारी टीम में 15 प्रांतों के लोग हैं, जो अपने आप में अपनी सफलता का कारण बताता है। हमारी ये ऐप हिंदी, मराठी, मलयालम और तेलुगु में उपलब्ध है। 3 MB की ऐप आप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया दोनों ही सपने एक साथ देखे जा रहे हैं, तो शेयरचैट उस सपने की ओर पहला कदम है, भारत के लिए, भारत के द्वारा और भारत का। यही हमारा लक्ष्य भी है और यही हमारी टैगलाइन है।